स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटोफोर्पी टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट्स, डोज, यूज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इटोफोर्पी टैबलेट जिसे लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है, जिसकी 10 टैबलेट की प्राइस 100 रुपये होते हैं, जिसे आप आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप से या मेडिकल स्टोर से इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों इटोफोर्पी के अलावा अन्य पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के अन्य पॉपुलर ब्रांड हैं नुकोक्सिया पी या ब्रूटाफ्लाम पी या इटोरिका पी या इटोस पी या इटोसाइन पी इत्यादि पॉपुलर ब्रांड से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें कि किन किन साल्टों को मिलाकर इस टैबलेट को तैयार किया जाता है उसके बारे में, तो दोस्तों इस टैबलेट के अंदर इटोरिकॉक्सी 60 mg तथा पैरासीटामॉल 325 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों इस टैबलेट में इटोरिकॉक्सिब एक NAISID क्लास की मेडिसिन होती है तथा पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक होता है, जिसका उपयोग गाउट यानी गठिया के दर्द को ठीक करने के लिए या उस दर्द से राहत पाने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों गठिया में अक्सर देखने को रहता है कि बॉडी में फीवर यानी बुखार बना रहता है, उस कंडीशन में दर्द बुखार को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग बुखार को साथ साथ ठीक करने के साथ साथ गठिया या जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द या बैक पेन इन सब को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा कमर दर्द या नसों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दांत में तेज दर्द, उन सब दर्दों से राहत पाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों उसके अलावा अन्य उपयोग के बारे में बात करें तो एक्सीडेंटल के चोट या मोच का दर्द, उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या गर्दन का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, हड्डियों में दर्द हो, उन सब दर्दों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था दोस्तों इटोफोर्पी टैबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों अब चल लेते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट का या अन्य किसी भी टैबलेट का उपयोग आप वीडियो देखकर ना करें, यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही, सलाह लेकर ही उपयोग करें। दोस्तों वैसे इस टैबलेट की कॉमन डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाने के बाद 1 टैबलेट सुबह तथा 1 टैबलेट शाम दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग आप SOS यानी जब जरूरत हो तब उपयोग में भी ले सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट के प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तथा दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है, उसके अलावा एल्कोहल का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा किडनी, लीवर, हार्ट और डायबिटिक के पेशेंट को इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह में ही दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट में उपस्थित कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि इस टैबलेट को लेने के बाद यदि आपको उल्टी, मतली, चक्कर, गैस, भूख कम लगना, खुजली, लालचकते, हेडेक, कब्ज, गैस, पेट दर्द, ऐसा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा हो तो इस टैबलेट को उपयोग में लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों इटोफोर्पी टैबलेट के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।